बहुजन समाज पार्टी ने बीते सोमवार को उत्तर प्रदेश की घोषी लोकसभा निर्वाचन सीट के लिए प्रत्याशी के तौर पर बालकृष्ण चौहान के नाम का ऐलान किया। बसपा के इस फैसले से उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर के लिए सियासी समीकरण बिगड़ सकते हैं। यूं तो ओपी राजभर बसपा सुप्रीमो के पुराने शुभचिंतक रहे और वह शायद ही कभी पूर्व सीएम मायावती के खिलाफ कुछ बोलते हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चुनावी समर में बीएसपी ने सुभाषपा को पटखनी देने की ठान ली है। भारतीय जनता पार्टी नित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए में शामिल सुभाषपा को समझौते के तहत घोषी लोकसभा सीट मिली। इस सीट पर राजभर ने अपने बेटे और सुभाषपा नेता अरविंद राजभर को प्रत्याशी बनाया। वहीं समाजवादी पार्टी ने राजीव राय पर दाव लगाया। इस बीच बसपा के ऐलान से सुभाषपा के लिए मुश्किलें पैदा हो गई। दरअसल राजभर को जिस जातीय समीकरण के भरोसे जीत का एहसास था, उसे मायावती की एक चाल ने धराशायी कर दिया। साल 1999 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर घोषी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से बालकृष्ण चौहान सांसद चुने गए थे। बाद में वे कांग्रेस में चले गए थे। हालांकि साल 2024 में वे फिर से बसपा में आ गए। ओपी राजभर ने योगी सरकार में मंत्री दारा सिंह चौहान के साथ राजभर बहुल्य सीट पर जीत हासिल करने के लिए अरविंद को प्रत्याशी बनाया, लेकिन बसपा द्वारा बालकृष्ण को कैंडिडेट बनाए जाने के बाद से माना जा रहा है कि राजभर इस लड़ाई में पीछे हो सकते हैं। एक आंकड़े के अनुसार घोषी लोकसभा सीट पर दलित मतदाताओं की संख्या करीब 4.5 लाख बताई जाती है। राजपूत 68,000 हैं, भूमिहार 35,000 और यादव 1,75,000, मौर्य 40,000, राजभर 1,25,000 और निषाद 37,000, चौहान लगभग 1.5 लाख हैं, मुस्लिम करीब 2.5 लाख, वैश्य यहां पर 77,000 है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट पर 4 जून को परिणाम क्या होगा। घोषी लोकसभा सीट पर 7वें चरण में मतदान होगा यानी कि बिल्कुल अंतिम में। लेकिन जैसा कि आपको बता दें यहां पर कि ओपी राजभर उन नेताओं में से एक थे जो मायावती के शुरुआत से ही समर्थन में थे। वे ये कहते थे कि विपक्ष को मायावती का साथ देना चाहिए और विपक्ष को मायावती को पीएम फेस बनाकर आगे चुनाव लड़ना चाहिए, यानी कि मायावती को प्रधानमंत्री बनाने की बात करने वाले ओम प्रकाश राजभर के बेटे का खेल बिगाड़ दिया मायावती ने और उनको संसद तक पहुंचने के लिए बड़ी यहां पर जद्दोजहद करनी पड़ेगी। अब देखते हैं कि ओपी राजभर क्या मायावती से बातचीत करके इस सीट पर कोई ऐसा सियासी समीकरण बनाएंगे या फिर बसपा सुप्रियो मायावती का सामना करेंगे। पिछले चुनाव में भी देखें तो घोषी सीट पर जिस तरीके से बसपा ने बड़ा खेल पलटा था, वह सभी के लिए चौंकाने वाला था। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।